ना बेटू, घबराने की जरूरत ना है। तू बहादुर है ना, तन्ने ना अंतर ते जोर ते मन्ने पकड़ के रखना होगा। तुझे मेरे साथ मिलकर अपने पप्पा को बचाना है, ठीक है? कुछ ना होगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मम्मी तन्ने और पप्पा ने कुछ ना होने देगी। तूने मेरे को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे मार तूने। I swear, mom, मैंने खुद अपनी आंखों से भाभी को घर से बाहर भाग के जाते हुए देखा, वो भी हाथ में डंडा लिए हुए, as if किसी जंग पर जा रही थी। और थोड़ी देर पहले चाची बता रही थी कि भाई ने मीत भाभी के लिए एक सुरक्षा रेखा बनाई है ताकि वो उसे क्रॉस करके ना जाए। पर भाभी ने कब किसी के इमोशंस की परवाह की है? चली गई भाई की कसम तोड़ के और उस लाइन को क्रॉस करके। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मीत भाऊ ऐसा कर सकते हैं। मीत, मीत भाऊ, मीत माम, अब तो यकीन हो गया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। हर बार की तरह मीत भाभी ने अपनी मनमानी की और निकल गई। हेलो, मैं एसआई मीत हुड्डा की मदर इन लॉ मिसेस बबीता अलावत बोल रही हूँ। मीत हुड्डा से बात कराइए, थोड़ा अर्जेंट है। माफ कीजिएगा मैडम जी, पर एसआई मैडम जी यहाँ तो आई नहीं। वहाँ नहीं आई? देखिए, आप जो कोई भी बोल रहे हैं प्लीज मुझे साफ साफ बताइए, मीत हुड्डा कहाँ गई है और पुलिस के किस काम से निकली है? जी मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप, मैं जानती हूँ आपको पता है मीत हुड्डा कहाँ गई है। देखिए मुझे साफ साफ बताइए वरना मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस कमिश्नर से कर दूंगी। मैं सच कह रहा हूँ मैडम जी, मुझे कुछ नहीं पता। पर हाँ, वो मंत्री साहब अभय राणा जी का बेटा सेंटी राणा नशा मुक्ति केंद्र से फरार हो गया। एसआई मैडम शायद उसी को पकड़ने गई होगी। बस इतना ही पता है मैडम जी। तो आगे की इन्फॉर्मेशन निकालिए और मीत हुड्डा कहाँ है उनके लोकेशन ट्रैक करके मुझे तुरंत बताइए। जी 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 जी। देखा माम, रबर और मीत हुड्डा, इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों को कितना भी खींच कर सही रास्ते पर लाने की कोशिश करो, वापस वहीं पहुंच जाते हैं। इट रिट्रैक्ट्स। आपने, हमने, सबने उन्हें कितना समझाने की कोशिश की कि वो प्रेग्नेंट है, उनकी कोख में इस घर का वारिस है, बट नहीं, वो तो चली गई खतरों से लड़ने। आखिर मीत उस्ताद ही रहे, मां नहीं बन पाए। मीत भाई, मना किया था ना मैंने तुम्हें, कसम दी थी ना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम वो सुरक्षा रेखा पार नहीं करोगे। तुमने सुरक्षा रेखा भी पार की, तुमने कसम भी तोड़ी और तुम यहां पहुंची। तुमने वही किया जो हर बार तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हारे दिल ने कहा, तुमने वही किया ना मीत? ठीक, अब मैं भी वही करूंगा जो मेरा दिल कहता। भाई ये क्या कर रहे हो? बिल्कुल सही कर रहा हूं मासूम दी। मासूम दी, मीत ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। अगर मीत ने कसम नहीं तोड़ी होती वो सुरक्षा रेखा पार करके वो यहां नहीं पहुंचती ना, तो आज आपका भाई जिंदा ही नहीं होता। आज उसने अपने बच्चे के साथ साथ उसके बच्चे के पापा को भी बचाया मासूम दी। क्या कह रहे हैं बेटा, किससे बचाया? शैंटी और उसके गुंडों से। मॉम, हमारे घर में परम जी और उनके शिष्य नहीं रह रहे थे, बल्कि परम जी और उनके शिष्य के रूप में शैंटी और उसके गुंडे रह रहे थे। मॉम, हमारे घर में जितने एक्सीडेंट्स हुए ना, वो लाइव वायर वाला इंसिडेंट, वो कुकर फटने वाला एक्सीडेंट, वो सब कुछ शैंटी और उनके गुंडों ने किया था मॉम। और फिर जब मैं आज उन्हें छोड़ने आया तो उन्होंने मुझ पर हमला बोल दिया मॉम, मुझ पर अटैक किया।
आज आपका बेटा मर गया था मम, अगर मीत सही वक्त पर नहीं आती और मुझे नहीं बचाती तो। लेकिन मीत सही वक्त पर आई और उनसे लड़ी, और मीत ने बच्चे का पूरा ख्याल रखते हुए वो लड़ाई की मम। आर्मर, प्रोटेक्शन, सारा एहतियात बरत के आई थी मम। मीत ने मेक श्योर किया कि हमारे बच्चे पर कोई खतरा नहीं आएगा, बहुत संभाल के लड़ी, उन सबका सामना किया, लेकिन हमारे बच्चे पर कोई आंच नहीं आने थी। का लाख लाख शुक्र है कि इस घर के होने वाला वारिस और मेरा बच्चा दोनों सही सलामत है, दोनों को कुछ नहीं हुआ। दोस्त, जिस तरह से आज तुमने मीत की जान बचाई है ना, हम सब कभी नहीं भूल पाएंगे। और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो शांति हम लोगों के बीच में गुरुजी बन के बैठा था। और मैं भी आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आया कि जब हम वहां पर पहुंचे तो तुम रो क्यों रही थी, क्योंकि जिस तरह से तुम रो रही थी तो मुझे लगा कि क्योंकि उस समय बहू ने जो जीत हासिल की थी वो जीत सिर्फ शांती और उसके गुंडों पर नहीं थी, बल्कि वो जीत थी सच्चाई की बुराई पर जीत। उसने सिर्फ अपने पति हमारे मीत पुत्र को नहीं और अपने होने वाले बच्चे को नहीं बचाया, बल्कि उसने वो वादा जो अपने पापा से किया था, वो जो कसम खाई थी, वो कसम उसने पूरी की। और इसके अलावा उसने हमारे अलावत परिवार को भी इंसाफ दिलाया। बेटा, तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारे जो पुलिस कमिश्नर हैं वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ही मुझे फोन करके सब कुछ सच सच बता दिया। ना पापा जी, बस आगे कुछ ना कहना। नहीं बेटा, अब मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि सच सबके सामने आए और खास तौर पे बबीता जी के सामने। सच्चाई? राज, क्या बात है, कैसे सच्चाई, क्या नहीं पता मुझे? बता बेटा, मेरी खातिर सबको सच बताओ। देखिए मीत के सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर।